मिलावट माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना प्रभारी नयागांव कमलकांत दुबे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम ओझा में आरोपी के घर पर स्थित डेयरी में मिलावटी दूध और मिलावट का सामान रखे हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हेतु घटनास्थल ग्राम ओझा पहुंचे, जहां मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फोन द्वारा अवगत कराया गया। ग्राम ओझा में आरोपी के घर में संचालित दूध डेयरी में 400 लीटर दूध एक कट्टे में 29 पैकेट में महाकोश ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा एक कैन हाइड्रोजन परऑक्साइड लगभग 25 लीटर पाए जाने पर मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा सैंपल लिए गए, जो जांच हेतु भेजे गए। आरोपी द्वारा मिलावटी दूध बनाकर विक्रय कर अनैतिक कारोबार से अनैतिक आर्थिक लाभ अर्जित कर आमजनों से धोखाधड़ी की जा रही। आरोपी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रतिवेदन पर थाना नयागांव पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। जी, नयागांव पुलिस भ्रमण पर थी। भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि ओझा गांव में एक डेयरी है, जो कि अवैधानिक रूप से और गलत तरीके से उसमें मिलावटी दूध का प्रोडक्ट तैयार करके उसका विक्रय करती है और परिवहन करती है। तो इसके पर से नयागांव थाना प्रभारी मौके पर जा कर के देखे थे, तो उनके द्वारा मौके पर रिफाइंड ऑयल की पैकेट्स मिली थी 29 लीटर लगभग और 25 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अलावा दूध भी था और ऐसी संदिग्ध स्थिति होने पर उनने फूड अधिकारी को बुला करके मौके पर सैंपलिंग की कार्रवाई कराई। उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया और फूड अधिकारी के प्रतिवेदन पर से इन पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।